तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से फोटो एंड वीडियो को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा कई सारे मोबाइल में फ़ोटो एंड वीडियो एंड फाइल एंड सॉन्ग होता है, तो उसको हमें कंप्यूटर में यूएसबी केबल से ट्रांसफ़र करना है, तो आपको आसान तरीके कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख लीजिए कैसे हमारा जो मोबाइल है, तो मोबाइल में कई सारे हमारा जो फाइल होता है, तो उसमें हमारा जो एक फोल्डर है, तो इसी फोल्डर में कई सारे हमारा डेटा है। अभी देख लीजिए कि माय डेटा का फोल्डर है, तो इसमें कई सारे फ़ोटो है, कई सारे वीडियो है, आपको कई सारे फाइल होता है, कई सारे सॉन्ग होता है, तो उसको आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी देख लीजिए कि यहाँ से हमारा मोबाइल में कई सारे फ़ोटो एंड वीडियो है, तो इसको हमें कंप्यूटर में लेना है। तो आपका जो यूएसबी केबल होता है, तो इस केबल की मदद से मोबाइल को आपको पीसी में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने जो चार्जिंग का केबल आता है, वही मैंने सीपीयू में लगा दिया है। तो वैसे आपको केबल को सीपीयू में कनेक्ट करना है और इसी केबल आपको मोबाइल में लगाना है। तो चल, मैं मोबाइल में केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो वैसे आपको केबल को मोबाइल में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको उसमें एक नोटिफिकेशन है, वही आपका शो हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको मोबाइल को पीसी में कनेक्ट करके बताने वाला हूँ। तो वैसे आपको मोबाइल को पीसी में कनेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ट्रांसफ़र फाइल का ऑप्शन है, वही आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको वेट करना है, और आपका जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपको मोबाइल को देखने के लिए आपको जो माई पीसी का ऑप्शन होता है, यानी कि माई कंप्यूटर का जो फोल्डर होता है, वही आपको ओपन करना है, और उसमें आपका जो मोबाइल है, यहाँ से आपका शो हो जाएगा। तो वही आपको ओपन करना है, तो उसमें जो इंटरनल स्टोरेज है, वही हमारा शो हो जाएगा। तो आपका जो मोबाइल में जो भी आपका डेटा है, वही आपको ओपन करना है। तो हमारा जो फोल्डर था माई डेटा का, उसमें हमारा कई सारे फ़ोटो एंड वीडियो है, तो इसको मैं कंप्यूटर में लेना है। तो अभी देख लीजिए कि माय डेटा का फोल्डर है मोबाइल में, वही मैंने ओपन कर दिया है। तो उसमें कई सारे फ़ोटो है, कई सारे वीडियो है, तो इसको मैं कंप्यूटर में डालना है। तो आपको जो फोल्डर है, तो फोल्डर पे आपको माउस से राइट चैट क्लिक करना है, और उसमें आपको कॉपी पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आपको जाना है डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से आपको किसी भी ड्राइव में पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको राइट चैट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल का डेटा है, मोबाइल का फ़ोटो एंड वीडियो है, वही आपका कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो मोबाइल का फोल्डर है, वही हमारा पीसी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वैसे आपको किसी भी फ़ोटो एंड वीडियो है, वही आपको मोबाइल में यानी कि कंप्यूटर में लेना है, तो आपको आसान तरीके ले सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मोबाइल का फोल्डर है, वही हमारा कंप्यूटर में आ चुका है। जितना हमारा फ़ोटो एंड वीडियो था, यहाँ से हमारा शो हो चुका है। तो आपको कई सारे मोबाइल में फ़ोटो एंड वीडियो है, कई सारे फाइल है, तो इसको आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। तो वैसे आपको कॉपी करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमारा जो फ़ोटो है, कई सारे वीडियो है, यहाँ से हमने कॉपी कर दिया है, और सही से हमारा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी हो चुका है। तो अभी देख लीजिए कि कंप्यूटर में फोल्डर है, उसमें हमारा जो वीडियो भी आ चुका है। तो आपको आसान तरीके मोबाइल का डेटा है, वही आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलो, मैं आपको मोबाइल भी ओपन करके आपको बताने वाला हूँ कि जो भी हमने कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र किया है, वही हमारा मोबाइल में भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर दिया है, माय डेटा का फोल्डर है। तो अभी देख लीजिए कि उसमें भी हमारा फ़ोटो एंड वीडियो है, और हमारा कंप्यूटर में भी फ़ोटो एंड वीडियो है। तो वैसे आपको मोबाइल से कंप्यूटर में फ़ोटो एंड वीडियो को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वैसे आपको यूएसबी केबल से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि यहाँ से मैंने कंप्यूटर में फोल्डर को ओपन किया, तो सही से फ़ोटो एंड वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।